नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू। तो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखा रही हूं और इसके साथ ही मैं बताऊंगी आपको मेरी मनी प्लांट्स के अपडेट, जो कि मैंने मोस्टिक आपको बनाना बताया था। काफ़ी ब्यूटीफुल सी मैंने मोस्टिक बनाई, 2-3, और सभी को मैंने किसी न किसी प्लांट के साथ अटैच किया और मेरे सारे प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो मैं आपको वही दिखाने जा रही हूँ कि कौन सी मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई है और कौन सी मोस्टिक मेरी सबसे बेस्ट रही है। तो आप एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मैं आपको पहला अपना प्लांटर दिखा रही हूँ, जो कि मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले भी दिखाया था। ये मेरा खुद का DIY बनाया हुआ है, इसके दोनों साइड में मैंने DIY बनाया है और इस पर लगी हुई है मेरी ब्यूटीफुल सी मनी प्लांट, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी, ये देखिए बिल्कुल नई नई इसमें पत्तियाँ, कितनी शाइनी पत्तियाँ हैं इसकी और काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स की हैं। तो दोस्तों, इसकी आप देखिए इसके पीछे राज क्या है, इसका राज मैं आपको दिखाती हूँ। इसका राज है ये देखिए, ये मोस्टिक है जो कि मैंने आपसे शेयर की थी कुछ दिनों पहले और इसमें मुझे लगाए लगभग 1-1.5 महीना हो गया और 1-1.5 महीने में मेरा पूरा गमला भर गया है और इसने पूरी मोस्टिक को कवर कर लिया। तो ये बनाई है मैंने कोको कॉयर से, जो कि आपकी नारियल की जूट होती है उससे मैंने बनाई है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से आप भी अपनी मनी प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं कोको कॉयर स्टिक के साथ। ये देखिए, मैंने थोड़े थोड़े इससे धागों से इसको हल्का हल्का सा बांध दिया। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती गई, मैंने देखी, आप देख सकते हैं ये धागे लगाए हुए हैं हल्के हल्के से, ताकि इसमें क्या है कि इसी में ग्रोथ करती रहे, आगे ऊपर नहीं जाए। इसको मैंने बहुत लंबी नहीं किए हैं, इसको बुशी बनाने का था मेरा। और ये देखिए ऊपर के साइड में इसने अच्छे से ग्रोथ कर ली है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी शाइनी इसकी लीव्स हैं। तो ये सब चमत्कार है इसी कोकोकर स्टिक का, जिसको आप यूं ही वेस्ट समझ के फेंक देते हो। तो दोस्तों, आज ही शुरू हो जाइए। अगर आपके पास भी मनी प्लांट है, किसी भी गमले में, किसी कंटेनर में, कहीं भी लगी हुई है, तो आप इस तरीके से उसको बुशी बना सकते हैं सिर्फ एक मोस्टिक के द्वारा। दूसरी मोस्टिक मैं शेयर कर रही हूँ, ये भी मैंने आपको लगा के पहले बनाना बताया और फिर इसी सिंगोनियम के साथ उसको टच करके पूरा वीडियो दिखाया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी प्यार दिया और वीडियोस को काफ़ी लाइक्स भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वही मोस्टिक है जो मैंने आपको बनाना बताया था और ऊपर कोको पर के ऊपर मैंने लगाई थी। ये देखिए आप, ये नेट लगाई थी जो सब्जी में आती है, अपने सब्जी या कोई भी किराने की या सामान लेके आते हैं तो इस तरीके की नेट मार्केट से अपने पास आ जाती है। तो ये मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई थी, थोड़ा सा एक तो ब्यूटीफुल लुक लगे इसका और दूसरा यहाँ पे काफ़ी सारी मेरे गोरैयाँ आती है, चिड़िया आती है, जो कि कोको का स्टिक के ये निकाल निकाल के, इनमें से निकाल निकाल के पूरे ले जाती है, तो कोको का स्टिक को ख़राब कर सकती है। तो ये देखिए मेरी दूसरी कोको का स्टिक जो बनाई हुई है और इस पर भी काफ़ी अच्छे से सिंगोनियम ऊपर तक चला गया है। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, और इसकी लीव्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी सी। तो ये सभी जो चमत्कार है, ये आप देख सकते हो, ये जो मेरी सिंगोनियम जो अच्छे से लगी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कोकोकर स्टिक की वजह से लगी हुई है और बहुत जल्दी इसने ग्रोथ कर ली है। तो मैंने जो कोकोकर स्टिक बना के लगाई थी, दिखाई थी, तब सभी लोगों ने कहा कि आप इसका अपडेट बताइए कि इसमें प्लांट ग्रोथ करता है नहीं करता है। तो मैं आपको इसको फिर से पूरा दिखा रही हूँ कि देखिए, पास में लगी हुई एम्ब्रेलिस लिली जिसमें कि ब्लूमिंग स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। और ये देखिए, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसने पूरी मोस्टिक को कवर कर लिया है विथ इन 2 मंथ्स, 2 मंथ हुए हैं इसको लगाए और काफ़ी अच्छे से इसने ग्रोथ कर लिया था। मैंने यहाँ तक लगा के बताया था इसको और ये ऊपर तक ग्रोथ इसमें पूरी बाद में हुई है, काफ़ी अच्छी अच्छी देखिए बड़ी बड़ी लीव्स है इसकी। तो ये है मेरी दूसरी मोस्टिक। अब मैं आपको तीसरी मोस्टिक से मिलवाती हूँ। तो दोस्तों, ये तीसरी मोस्टिक जो मैंने बनाई है, वो बनाई है जूट के कपड़े से, जो कि बोरी होती है अपने यहाँ अनाज में और चावल में जिसमें आती है, वो जो बोरी होती है उससे मैंने बनाया। उसको मैं आपको पहले अच्छे से दिखाती हूँ अंदर से। ये आप देखिए,
इस तरीके से मैंने लगभग एक साल पहले दोस्तों बनाई और आपसे शेयर भी की, आपको इसने काफ़ी सराहा, कुछ दोस्तों ने कमेंट भी की कि इसमें मैंने कुछ मड वगैरह कोई भी खाद वगैरह नहीं डाली थी, तो लोगों ने कहा कि ये अच्छे से नहीं हो पाएगी। देखिए लेकिन इसमें कितनी सारी ये रूट्स हैं दोस्तों, आप जो देख रहे हो चारों तरफ ये मनी प्लांट की रूट फैल गई है इसमें चारों तरफ। तो अब आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए, ये देखिए नीचे मैंने प्लास्टिक की एक पाइप थी उसमें लगा के, और देखिए अब काफ़ी बड़ी हो गई है मनी प्लांट, आप देखोगे तो अभी बिलीव नहीं करोगे बहुत बड़ी हो गई है, करीबन 15-20 फीट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो दोस्तों आप मेरे मोस्टिक वाले वीडियो में भी क्वेरी कर सकते हैं या इसमें भी आप मुझे पूछ सकते हैं। देखी जाइए और आपकी ग्रोथ, मैं इसको दिखा देती हूँ पहले, इसकी शाइनी जो लीव्स है, नई नई लीव्स निकल रही हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं बाहर के दिन, फरवरी मार्च में थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाता है, उससे पहले थोड़ी सी बर्न होने लग गई थी विंटर्स में। तो अब देखिए इसके पास में ही मैंने बया की घोंसला लगाया हुआ, और इसमें मैंने लाइट लगाई हुई है, ये वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि बया के नेस्ट में लाइट लगा के मैंने ये अपने गार्डन में टुक कर रखा है। और अब आप देखते जाइए, ये मेरी मोस्टिक जो कि मैंने जूट से बनाई थी, जूट के कपड़े से, और इसकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छे से बहुत दूरी तक फैल गई है। देखिए कितनी सारी ब्रांचेज निकली है, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये कितनी सारी ब्रांचेज, बीच में से कुछ मेरी ये जो पक्षी आते हैं इन्होंने ख़राब कर दी बीच में से, और आगे जाके देखिए फिर से फैल रही है ये आप देख सकते हो, और इस साइड में भी आप देखिए ऊपर मैंने ये लगा रखी एक जूट की जो रस्सी आती है वो लगाई है ताकि इसको थोड़ा सा सहारा मिल जाए। लेकिन दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल से ये अच्छे से फैल गई है चारों तरफ, और बहुत खूबसूरत लग रही है मेरे इस पोर्च में, बहुत मतलब ब्यूटी एनहेंस करती है ये, मैं कह सकती हूँ। ये देखिए तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।